चलिए आज हम लोग खाजा बनाते हैं, मीठा खारी। जिसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसके अंदर एक कप चीनी और हाफ कप पानी डाल करके इसका शुगर सिरप बनाएंगे। चीनी और पानी अच्छे से उबल रहा है, इसी के अंदर में दो छोटी इलायची मैंने कूट करके डाल दिया और इसको पकने देते हैं। आगे आटे का डो बनाते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे हाफ टी स्पून और 3 से 4 टीस्पून घी डाल देंगे। आप चाहो तो डालडा भी डाल सकते हो, इसमें रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। वनस्पति का डालडा आता है ना, वो भी आप डाल सकते हो। इसमें घी इतना होना चाहिए कि हम ऐसे मुट्ठी बांधे तो इसका बाइंडिंग अच्छे से होना चाहिए। ये अभी तक नहीं हुआ है तो इसमें थोड़ा सा 2-3 टीस्पून और डाल देंगे घी। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो बना लेंगे, आटे के जैसा गूंद लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट। अभी इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छुपा करके छोड़ देते हैं। इसको ढक करके 10 से 15 मिनट आराम करने देते हैं। चाशनी रेडी हो गया, इस तरह का चाशनी चाहिए हमें। अब गैस को फ्लेम हम बंद कर देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। ये हम लोग साटा बनाएंगे, उसके लिए मैंने 2 टी स्पून घी लिया है और 1 टी स्पून भर करके चावल का आटा डाला और 1 टी स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी बिल्कुल मेल्टेड नहीं चाहिए, इसी तरह का चाहिए। अभी इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का चाहिए हमें। इसी को लगाने से उसके बाद ही ये, इसको लगाने से जो लेयर आता है ना खाजे पे, परत जो रहता है वो इसी से निकलता है। अब 15 मिनट हो गया, इस आटे को इसके ऊपर निकाल के अच्छे से गूंद लेंगे। छोटा छोटा लोई की जैसा इसका काट लेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं ना उतना उतना ही आप ऐसा तोड़ लो। इस तरह गोल गोल सभी को बना लेंगे, उसके बाद रोटी के जैसा ही बेलेंगे इसको। इस तरह सबको बना लेना है। अभी बेलन से हम लोग इसको बेलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा लगा करके इसको एकदम पतला बेल लेना है। ये देखिए पतला पतला बेल लिया मैंने, सभी लोई को इसी तरह से बेल लेना है रोटी के जैसा। सभी लोई को मैंने रोटी के जैसा बेल लिया है। अभी ये जो साटा बनाया था हमने, इसको लगाएंगे अच्छे से हाथ से।
ये देखिए इस तरह से पूरे रोटी पे अच्छे से लगाना है और इसके ऊपर फिर दूसरा रोटी रखेंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे। ऐसे ही सारा एक के ऊपर एक लगा करके रख देंगे। ये देखिए मैंने एक के ऊपर एक रोटी को इस तरह से रख दिया। अभी इसको फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे हल्के हाथों से एक करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको साइड से, पहले ये साइड वाला जो है इसको इतना कट करके हटा देंगे दोनों साइड से। अभी इतना इतना इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे। इसको बेलना है और फ्राई करना है तो चूल्हे पे मैं कढ़ाई में तेल डाल करके हीट करने के लिए रख देती हूँ। मैंने चूल्हे पे रिफाइन ऑयल और थोड़ा सा घी मिक्स करके कढ़ाई में डाल करके हीट होने के लिए चढ़ा दी हूँ। आप चाहो तो पूरे घी में भी फ्राई कर सकते हो, चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो, तेल में भी कर सकते हो फ्राई। अभी इसको इस तरह से बेल लेना है हल्के हाथ से। ये देखिए सभी को मैंने बेल लिया। अभी इधर ऑयल और घी दोनों मिक्स करके जो मैंने डाला था वो हीट हो गया है। अभी इसके अंदर में जितना इसमें आ पाए उतना ही दो चार डाल करके इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्राई हो रहा है। अभी फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे। ये देखिए कैसा लेयर दिख रहा है। ये देखिए सभी खाजा फ्राई हो गया है। अभी इसको निकाल लेंगे। मैंने इधर खाड़ी को निकाल लिया है और इसको अभी शुगर सिरप में डालेंगे। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है। इसको मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। चलिए अभी हम इसको शुगर सिरप में डालते हैं। शुगर सिरप जब भी आप डालो ठंडा करके ही डालना, गर्म में मत डालना, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से डालना है और इसको ऐसे तुरंत ही निकाल लेना है, अंदर में रख करके छोड़ना नहीं। और इसको एक जाली के ऊपर रख देना, जो भी एक्स्ट्रा चीनी है वो सब निकल जाएगा नीचे। इसी तरह सभी को हम शुगर सिरप में डिप करके बाहर निकाल के जाली पे रख देंगे।